नमस्कार नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वह है प्रमुख देशों के बदले हुए नाम। एक तरफ आपका पुराना नाम है और दूसरी तरफ जो होगा वह नया नाम होगा, फिर पुराना नाम है फिर नया नाम होगा। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूछ देगा फार्मोसा किसका पुराना नाम है, निप्पोन किसका पुराना नाम है। आप परेशान होते हैं, कहते ये प्रश्न आते कहां से हैं, ये प्रश्न मिलेगा कहां। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, तो ऐसे सारे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जहां से आपको परेशानी होती है सब कुछ डिटेल में कराने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा, क्योंकि ऐसे सारे टॉपिक लाऊंगा जो बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा या फिर किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप भाग ले रहे हो, परेशान बिल्कुल मत हो। ये शुरू करते हैं। देखिए, जैसे एक तरफ पुराना नाम और एक तरफ नया नाम होगा, कहने का मतलब है कि देखिए अभी हाल ही में आपने देखा है कि बहुत सारे राज्यों का नाम चेंज होता है, भारत में भी, यहां तक कि भारत का भी जो नाम था इंडिया उसको अब भारत बोला जाने लगा है ना। तो ऐसे नाम परिवर्तन होता है, तो एग्जाम में प्रश्न यहां से बनेगा कि भैया इसका फला नाम क्या था, है ना। तो एक तरफ पुराना नाम है और मैं नया नाम बताते चलूंगा। पहला है श्याम। जी हां, श्याम जो है यह किस देश का पुराना नाम है, बताइए जरा। अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो ध्यान लगा करके सुनिए, एक से दो बार इसको आप देखेंगे याद हो जाएगा। जब सबका मैं नाम लिख दूंगा उसके बाद में फिर मैं हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप जाएं, अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो आपका एक नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए, पहला ही नाम है जो है श्याम, देखते हैं श्याम किसका पुराना नाम है। तो श्याम जो है वह थाईलैंड का पुराना नाम है। किसका? थाईलैंड। अब मैं सबको लिखते भी चलूंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं सबको लिखते भी चलूंगा। तो श्याम जो है वह थाईलैंड का है। बर्मा, बर्मा तो आप लोगों को पता ही होगा, बर्मा जो है आप लोगों को पता ही होगा कि बर्मा जो है भैया वह म्यांमार का नाम है सर, क्योंकि बर्मा को बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है कि बर्मा जो है वह किसका नाम है, म्यांमार का नाम है। इसी प्रकार से फार्मोसा हो जाएगा, निप्पोन हो जाएगा, मलय हो जाएगा। तो सबका मैं बताने वाला हूं और लिख लिख के बताऊंगा, परेशान मत हो, यही लिख देता हूं। श्याम, श्याम किसका पुराना नाम है, जैसे श्याम जो है वह पुराना नाम है, ठीक से समझिएगा, श्याम जो है वह पुराना नाम है। तो भैया नया नाम क्या है इसका, तो नया नाम इसका है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड, ठीक, नया नाम क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, थाईलैंड का नाम कौन नहीं जानता है, है ना, थाईलैंड, बैंकॉक, ये सभी लोग जानते होंगे। अब आइए बर्मा, भैया बर्मा का क्या नाम, बर्मा तो पुराना नाम है, नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है म्यांमार, ठीक, नया नाम क्या है इसका, म्यांमार, ओके। चले आगे, अब देखिए बर्मा तो म्यांमार, आगे चले तो आता है फार्मोसा। फार्मोसा किसका पुराना नाम है या फार्मोसा का नया नाम क्या है, तो फार्मोसा का जो नया नाम है वह है ताइवान। क्या है? ताइवान, ठीक ना। फार्मोसा का जो नया नाम है भैया वह है ताइवान, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यह वाला तो पूछा भी गया है, फार्मोसा आपको पूछा भी गया है, एग्जाम जब आप देते हैं तो आप देखेंगे कि फार्मोसा जो है वह पूछा भी गया है। एक आते हैं चौथे नंबर पर हम लोग, तो यह है निप्पोन। निप्पोन बहुत ही आसानी से आप याद कर लीजिएगा, देखिए मैं याद भी कराऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं फिर मैं याद कराऊंगा, ठीक ना। चलिए, तो निप्पोन किसका पुराना नाम है, तो भैया निप्पोन जो है वह जापान का पुराना नाम है। एक बार मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, बर्मा, अगर बर्मा को ऐसे न लिख करके आप ऐसे लिखते हैं बर्मा, ठीक ना, ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिखते हैं बर्मा, तो आप क्या देखते हैं, उल्टा करिए तो मा और र, यहां भी है मा और र, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। जी हां, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, बर्मा को ऐसे लिखिएगा बर्मा, और मा र यानी मार मतलब म्यान
मार, है ना, ऐसे करके आप याद कर ले सकते हैं इसको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फार्मोसा तो ये ताइवान आप याद रखिएगा, ओके। निप्पोन, निप्पोन पोन में देखिए अगर ऊपर वाला आप मिटाते हैं तो पान बन जाता है, पान से आप जापान याद कर सकते हैं। देखिए निप्पोन पोन के ऊपर से जो आकार है ये अगर मिटाएंगे तो पान बन जाएगा, और पान से आप याद कर लेंगे जापान बन जाएगा। मले से मलेशिया याद रखिएगा, मले, मले किसका नाम है भैया, तो यह मलेशिया, यह बहुत ही आसान है, मले आप आसानी पूर्वक याद कर लेंगे, मले से क्या याद कर लेंगे मलेशिया। इसका और भी नाम है, इसका एक और नाम है साबाह, ठीक ना, यहां फिर भी मैं इसको लिख देता हूं मलेशिया, ओके, अगर आपसे पूछे तो बताएंगे मलेशिया। चलिए पूर्वी पाकिस्तान, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो बांग्लादेश था वह पहले पूर्वी पाकिस्तान था, भारत से ही ये सब अलग हुए हैं, पहले भारत से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से बाद में एक अलग होकर के, और पूर्वी जो बांग्लादेश है वह पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा बांग्लादेश, और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आप लोग अच्छे से इसको देख रहे होंगे और साथ ही साथ याद भी करते जा रहे होंगे, आप बस सुनते जाइए, केवल मात्र सुनते जाइए, आधा आपको याद हो जाएगा, दूसरी बार जब आप वीडियो देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे तो आपको संपूर्ण याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में जो गलती करते हैं, जो कहते हैं कि एक नंबर से हमारा छूट गया, दो नंबर छूट गया, तो वही एक दो नंबर आपको बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया भैया बहुत आपने चर्चा में सुना होगा, जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं मेसोपोटामिया, पढ़ते हैं ना, तो ये मेसोपोटामिया किसका नाम है, किसका पुराना नाम है, मेसोपोटामिया को अब क्या कहा जाता है, है ना, ये प्रश्न बनता है कि जो मेसोपोटामिया है इसको, इसका नया नाम क्या है। याद रखिएगा मेसोपोटामिया इराक का ही पुराना नाम है, किसका, इराक का ही पुराना नाम है मेसोपोटामिया। एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी मदद मिले, उनको भी सहयोग मिले, जैसे आप तक ये वीडियो पहुंचा है आपको सहयोग मिला है, आप किसी और तक पहुंचा करके उनको भी सहयोग उपलब्ध कराइए, है ना। तो देखिए मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में हम लिख देते हैं इराक, लिख देते हैं क्या, लिख देते हैं इराक, ओके, मेसोपोटामिया में हमने इराक लिख दिया। अब चलते हैं कंपुचिया, देखिए नाम रिलेट करिएगा याद हो जाएगा, कंपुचिया कंबोडिया, कंपुचिया कंबोडिया, है ना, ऐसे रिलेट करिएगा, कंपुचिया कंबोडिया, कम कम दोनों में है, तो ये आप बिल्कुल ही आसानी से याद कर लेंगे, कंपुचिया कंबोडिया, दो से तीन बार आप इसको वो करिए आपको याद हो जाएगा कंपुचिया कंबोडिया, ओके। चलें चलते हैं आगे, कंबोडिया हो गया, देखिए मैं लिख भी देता हूं कंपुचिया कंबोडिया, ओके। चलिए पार्सिया, पार्सिया जो है, पर्शिया किसका पुराना नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए जो इसमें महत्वपूर्ण है उसको मैं एक बार टिक करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक बार मैं टिक करूंगा, पर्शिया किसका पुराना नाम है, तो भैया पर्शिया जो है वह ईरान का पुराना नाम है, किसका, ईरान का। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो भाई साहब लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लाइक जरूर करिएगा, है ना, जैसे प्यार में धोखा मिलता है ना, ठीक उसी प्रकार से मैं ये भी समझूंगा कि लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमको क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। चलिए और फिर इंतकाम का बदला लूंगा मैं भी, तो चलिए जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, पार्सिया ईरान, ओके। चलिए अब आते हैं सिलोन, बहुत ही आसान है, सिलोन, सीलोन, श्रीलंका, श्रीलोन
श्रीलंका, सिलोन श्रीलंका, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए, सिलोन श्रीलंका, सिलोन श्रीलंका। ओके चलिए, सिलोन श्रीलंका। अरे भाई श्रीलंका तो लिख जा बढ़िया से। सिलोन किसका? तो श्रीलंका, सिलोन श्रीलंका, याद कर लेंगे ना आसानी से, सिलोन श्रीलंका। ऑटोमन साम्राज्य, जी हां ऑटोमन साम्राज्य किसका पुराना नाम है? देखिए ये साइड जो लिखा है पुराना है, मैं लिख भी दिया हूं इसीलिए, ये नया है ना। तो ऑटोमन साम्राज्य यह है तुर्की, किसका है भैया? तुर्की। तो लिख लीजिए ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, है ना, टर्की कहते हैं इसको, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की। जायरे गणराज्य, जायरे गणराज्य कांगो, जायरे गणराज्य कांगो। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, अब बताइए इसका पुराना नाम था दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और यह नया नाम क्या है भैया? तो नया नाम सर नामीबिया है। नया नाम क्या है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का? जो नया नाम है वह है नामीबिया। मैं लिखना चाहूंगा यहां पर, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा नामीबिया। ओके, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का पुराना जो नाम है वह क्या नाम है भैया? तो वह नाम है नामीबिया। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग मालागासी। मालागासी जो है वह मेडागास्कर का ही नाम है, किसका? मेडागास्कर, मालागासी ये रहा। अब मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा मेडागास्कर। ओके, मालागासी मेडागास्कर। आगे चलते हैं तो हम लोग आते हैं फ्रांसीसी सूडान की ओर। जी हां आगे चलेंगे तो हम लोग फ्रांसीसी सूडान की ओर आएंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे हॉलैंड की ओर। तो फ्रांसीसी सूडान जो है इसका नया नाम क्या है? पुराना नाम तो फ्रांसीसी सूडान है। देखिए अगर पता है तब बताइए, और नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही। तो फ्रांसीसी सूडान का जो नया नाम है बच्चों, जो नया नाम है वह नया नाम है क्या है भैया? वह नया नाम है माली। क्या नाम है? माली। फ्रांसीसी सूडान का नया नाम आप जान लीजिए माली। ओके, इसको एक बार मैं फिर रिवीजन कराऊंगा, परेशान मत होइए। चलिए हॉलैंड की बात करते हैं, तो हॉलैंड का जो नया नाम है वह है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड। चलिए याद कर लेंगे, लैंड से लैंड जोड़ लेंगे, हॉलैंड नीदरलैंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पिकिंग, पिकिंग नाम नया, बीजिंग, पिकिंग बीजिंग, पिकिंग बीजिंग, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं बीजिंग। ओके, पिकिंग बीजिंग, पिकिंग बीजिंग। आगे चले हम लोग तो आता है पुर्तगाली तिमोर। जी हां पुर्तगाली तिमोर किसका पुराना नाम है? तो पुर्तगाली तिमोर कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आप आंसर उठा लेंगे, यहीं से आप आंसर उठा लेंगे। देखिए भूलिएगा मत, मैं ये कर रहा हूं, पुर्तगाली तिमोर। व्हाइट बोर्ड, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो थोड़ा सा और भी आपको मदद मिल जाता, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। पुर्तगाली तिमोर का हो जाएगा भैया पूर्वी तिमोर, है ना, पूर्वी तिमोर। लिखते भी जाइए, अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा ना। अब चलिए अगला क्या है? अबिसिनिया है, अबिसिनिया। अबिसिनिया किसका पुराना नाम है? तो अबिसिनिया अगर पूछता है कि किसका पुराना नाम है, तो आप बताने वाले हैं। देखिए अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता है तो क्या करिए, इंतजार करिए। जैसे पुर्तगाली तिमोर का हमने बताया आपको पूर्वी तिमोर, अबिसिनिया का देखिए यहां याद बड़ा आसानी से हो जाएगा। अबिसिनिया, यहां निया याद रखना है, निया से आपको पिया जोड़ना है, निया पिया, निया पिया, निया पिया, ऐसे ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। तो पिया से क्या आएगा? तो पिया से आएगा
इथियोपिया। ओके चलिए, इथियोपिया इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इथियोपिया। ठीक, अबिसिनिया इसका नया नाम जो है वह है भैया इथियोपिया। ओके चलिए अब चलते हैं किंगडम ऑफ द हिजाज नजद। किंगडम ऑफ द हिजाज नजद ये बहुत ही चर्चित देश है जो आपका सऊदी अरब है, ये बहुत ही चर्चित देश है जो आपका सऊदी अरब है। ओके सऊदी अरब लिख लीजिए, किंगडम ऑफ द हिजाज नजद, ठीक ना, किंगडम ऑफ द हिजाज नजद ये किसका है पुराना नाम भैया, तो यह है सर सऊदी अरब का है। अब चलते हैं फ्रांसीसी इंडो चीन, फ्रांसीसी इंडो चीन यह है वियतनाम का, किसका है भाई वियतनाम का, फ्रांसीसी इंडो चीन यह है, लिख ही देता हूं मैं, फ्रांसीसी इंडो चीन वियतनाम का। आगे चलें तो अगला देखते हैं क्या है, द किंगडम ऑफ अदन, द किंगडम ऑफ अदन, द किंगडम ऑफ अदन, अदन अदन से यमन याद करिएगा, अदन से याद करिएगा यमन। ओके यमन। आगे चलते हैं हम लोग गोल्ड कोस्ट, तो गोल्ड कोस्ट का क्या है भैया, तो गोल्ड कोस्ट का है आपका घाना, क्या है गोल्ड कोस्ट का है घाना, एक और शायद छूट गया है, छूट गया है ये क्या है डच गुआना, डच गुआना आपका छूट गया है, तो बताइए डच गुआना का नया नाम क्या है, डच गुआना का नया नाम क्या है, कमेंट करेंगे आप लोग। गोल्ड कोस्ट का तो हमने आपको बता दिया कि गोल्ड कोस्ट का यह है घाना, अब छूटा कौन है, छूट गया है डच गुआना, बताइए डच गुआना का नया नाम क्या है, डच गुआना जो है इसका नया नाम क्या है, तो डच गुआना का नया नाम कमेंट करेंगे आप लोग, फटाफट कमेंट करेंगे, डच गुआना का जो नया नाम है वह आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, डच गुआना का नया नाम जो है वह है नया नाम, इसीलिए मैं बोल रहा हूं नया नाम यानी सूरीनाम, जी हाँ नया नाम डच गुआना का सूरीनाम है। ओके मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा फिर से, सूरीनाम इसकी राजधानी परमारिगो है, ध्यान रखिएगा, तो डच गुआना का नया नाम सूरीनाम। एक बार मैं पुनः हटने की कोशिश करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, तो मैं मान के चल रहा हूं बच्चों कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और देखते हैं फिर से हम लोग एक बार इसके नामों के रिविजन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला नाम है श्याम, जो कि मैं आपको बताया हूं कि यह थाईलैंड का ही पुराना नाम था। ओके बर्मा, बर्मा को आप लिख रहे हैं बर्मा, मारा उल्टा करके पढ़ेंगे तो मार आएगा, और मार से आप याद रखेंगे म्यांमार, आपको याद रखना है इसका आंसर। चलिए फार्मोसा, फार्मोसा का नया नाम क्या है, तो फार्मोसा किसका पुराना नाम है, तो यह ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा, आपको याद रखना है। निप्पोन, पोन का अगर ये ऊपर वाला काट रहे हैं तो पान बन रहा है, और पान से आपको जापान याद रखना है, ध्यान रखिए जापान। मलय, मलय में मलेशिया निहित है, आप पढ़िए मलय मलेशिया आपको एक जैसा लगेगा, तो मलय मलेशिया याद रखिएगा। ये पूर्वी पाकिस्तान जो बन के फिर रहा है ना, ये बांग्लादेशी है, पहले पूर्वी पाकिस्तान रहा था ये कभी, और आज बांग्लादेश बन गया है। अगर बात करें मेसोपोटामिया की, हाँ वही मेसोपोटामिया जो आप सिंधु सभ्यता में पढ़ते थे, तो मेसोपोटामिया का जो नया नाम है वह है इराक। कंपूचिया तो आपको कंबोडिया के जैसा लग ही रहा है, कंपूचिया कंबोडिया, कंपूचिया कंबोडिया, तो कंपूचिया कंबोडिया आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे पारसिया, तो आप क्या ईरान नहीं बता पाएंगे, आप बताएंगे कि सर ईरान, पारसिया ईरान है, ध्यान रखिएगा। सिलोन, सीलोन श्रीलंका, सीलोन सी सी दोनों में दिख रहा है ना, तो सीलोन और श्रीलंका आपको याद रखना है। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य जो है यह तुर्की का ही पुराना नाम है, किसका, तुर्की का। चले आगे, चलिए तो सर आगे चलिए एक बार। जायरे गणराज्य, जायरे गणराज्य किसका पुराना नाम है, तो जायरे गणराज्य का नया नाम कांगो है, क्या है कांगो। चलिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, तो
तो इसका नाम है नया, वह है नामीबिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का जो नया नाम है वह है नामीबिया। मालागासी, इसका नया नाम मेडागास्कर। मालागासी का नया नाम मेडागास्कर। चलिए, फ्रांसीसी सूडान का नया नाम माली। जी हां, फ्रांसीसी सूडान का नया नाम जो है वह है माली। हॉलैंड का नीदरलैंड, हॉलैंड का नीदरलैंड, याद रखिएगा हॉलैंड नीदरलैंड। ओके, चलिए आगे। नीदरलैंड होता है भैया, नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड में नी बड़ा हो जाएगा, इधर से हो जाएगा ना, इधर से हो जाएगा, नीदरलैंड में नी इधर से हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलिए। पिकिंग बीजिंग याद रखिएगा। पुर्तगाली तिमोर याद करके और पूर्वी तिमोर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो आता है अबिसिनिया, तो निया से पिया बना दिए थे हम, निया से क्या हम बना दिए थे, तो निया से हम पिया बना दिए थे, यानी अबिसिनिया को हम बना दिए थे इथियोपिया, निया पिया। किंगडम ऑफ द हजार नजद, किंगडम ऑफ द हजार नजद की बात करें तो यह है सऊदी अरब। जी हां, सऊदी अरब। फ्रांसीसी इंडोचीन किसका पुराना नाम है, फ्रांसीसी इंडोचीन पुराना नाम है वियतनाम का। ओके, वियतनाम। द किंगडम ऑफ अदन, द किंगडम ऑफ अदन, अदन से आप याद कर लीजिएगा यमन, यमन याद कर लेना है आपको। डच गुआना किसका पुराना नाम है, तो बताएंगे आप यह है सूरीनाम का, किसका, सूरीनाम का। आगे आखिरी प्रश्न है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट नया नाम है इसका घाना, क्या नाम है, घाना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 20 से 22 मिनट के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा और अपने एग्जाम में आप अब ये गलती नहीं करेंगे। एक बार पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए, जो नहीं ले पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है और परीक्षा में हर हाल में सही करके आना है और गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है और अपना रिजल्ट जो है वह बना करके आना है। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी ऐसे हर एक टॉपिक जहां आप फंसते हैं कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पर भी बनाइए, इस टॉपिक, मैं सारे टॉपिक पर और बिल्कुल इसी तरीके से, फनी तरीके से, आसान तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।